विनायक खुद से कहता है, बस विनायक थोड़ी हिम्मत और कर ले, इसके बाद तू धनवान हो जाएगा। बस एक तू ही धनवान रहेगा, सब लोग तेरे आके नतमस्तक होंगे। हाँ। और वो बस खजाने के सामने पहुंचकर खुश होने ही वाला था कि तभी वो एक बहुत गहरे कुएं में गिर जाता है और बस गिरता ही जाता है। उसे दूर दूर तक कहीं कोई छोर नजर नहीं आता। घबराकर वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई है, मदद करो मेरी, बचाओ बचाओ। विनायक विनायक, उठ, क्या हुआ तुझे है? विनायक नींद से उठता है तो खुद को बिस्तर पर पाता है। वो आज ही अपने गांव आया था और आते ही अपने स्वभाव के अनुसार सपने देखने लगा था। अरे तू अपना लालच कब छोड़ेगा विनायक, तुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा है। अरे पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने खानदान की सीढ़ियां ढो रहा हूँ। चुप कर बदतमीज, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, ज्यादा लालच मत कर। पिताजी, अगर मैं अमीर बनने के लिए हमारे पुरखों द्वारा अपनाया गया तरीका जानना चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है? दादी तक ने अपनाया था वो तरीका, अब आपको वो सही नहीं लगता तो ना लगे, मुझे तो बता दो। तूने अपनी दादी को देखा है ना, याद है ना तुझे कि भूल गया? विनायक कुछ सोचकर चुप हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि उस क्षेत्र और आसपास की जगहों में एक देवता की पूजा की जाती थी। वहां ऐसा माना जाता था कि यही वो देवता हैं जो लोगों की रोजमर्रा की हर जरूरत को पूरा करते हैं। सदियों से पौष मास की अमावस्या को वहां विशेष पूजा अर्चना होती थी। इस बार भी उस दिन की तैयारियों में पूरा गांव लगा हुआ था। आखिरकार वो दिन आ जाता है। सब लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे बने मंदिर के आसपास इकट्ठा होते हैं। ढोल नगाड़े के साथ पूजा शुरू होती है। जल्दी खत्म क्यों नहीं हो जाती ये पूजा? कोई तो उपाय जरूर होगा जिससे मैं अचानक अमीर हो जाऊं। वो सभी के वहां से जाने का इंतजार करता है। जब सब वहां से चले जाते हैं तब वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाता है। वो पेड़ को ध्यान से देखता है, तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो घबरा जाता है। जहां तहां अंधेरे में उसे कुछ खास नजर तो नहीं आता, पर किसी के हाथ की पकड़ अपने पैर पर अच्छे से महसूस होती है। वो अपने पैर उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। कौन है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। विनायक के पसीने छूट जाते हैं। उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है। पिताजी की कही बातें याद आती हैं, तो वो हिम्मत करके बोलता है, आप कौन है? उस बिजली में विनायक जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसके पांव को किसी खर पतवार ने नहीं बल्कि एक मिट्टी में धसी लाश से निकली जड़ ने पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई लाश हो जो लगभग सड़ गई हो, पर वह लाश नहीं थी, उसमें जान थी। जमीन पर सदियों से मिट्टी से ढकी। विनायक इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। बड़ी हिम्मत करके वह उसको बैठकर ध्यान से देखता है। लाश गहरी सांसें ले रही होती है और वह सहम जाता है। विनायक देखता है कि लाश नाक में वही नथनी पहने हुई थी
जो उसकी दादी पहना करती थी, वो समझ जाता है। दादी, तू दादी है ना? हाँ। तू तो मर गई थी ना? हाँ, पर मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मुझे मुक्ति दे दे। विनायक के मन में ख्याल आता है कि जो बातें पिताजी ने मुझे कभी नहीं बताई, वो मैं क्यों ना इनसे पूछ लूं? वो थोड़ी हिम्मत और इकट्ठा करता है। तुझे मुक्ति चाहिए? हाँ। देख दादी, पर मेरी एक शर्त है। उसके इतना कहते ही वो झटके से एक गड्ढे में गिर जाता है और खुद को दलदल में फंसता हुआ पाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जान जाने वाली है। बस दादी, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मार, मैं भी मरना नहीं चाहता। मुझे मार के तुझे वो कभी नहीं मिल सकता जो तुझे चाहिए। तू इस हालत में नहीं है कि तू मेरे सामने शर्त रख सके। देख दादी, तू भी मेरी शर्त को ठुकराने की हालत में नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ जो अब तुझको मुक्ति दिला सकता हूँ। दादी, तू मुझे मुक्ति दिलाएगा? हाँ दादी, तू जैसा बोलेगी मैं वैसे ही करूंगा। जा, एक लोटा जल लाकर मेरा तर्पण कर दे। वो अपने आप गड्ढे से बाहर निकल आता है। वो दौड़ कर जाता है पेड़ के नीचे रखे एक जल से भरे लोटे को लाकर। वो तर्पण करने से पहले रुक जाता है। इस पेड़ के ठीक नीचे एक कुआं है। आधी रात के बाद उस कुएं में जा और देवता को प्रसन्न कर। यहाँ के देवता को चावल की पोटलियां चढ़ानी होती हैं। जितनी ज्यादा पोटलियां देगा उतना ज्यादा धन पाएगा। इस राज को जान लेने के बाद विनायक तर्पण कर देता है। दादी जल स्वीकार करके मुक्त हो जाती है। अरे वाह, आखिर मुझे वो राज पता चली गया जिसके लिए मैं इतना व्याकुल था। अगली रात वह पूरी तैयारी से आता है। दादी के कहे अनुसार वह पेड़ के पीछे जाकर कुएं में रस्सी लटकाता है। वो अपने मन को मजबूत करते हुए रस्सी को पकड़कर नीचे उतरने लगता है। उसकी कमर में चावल की पोटली बंधी है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, माहौल डरावना होता जाता है। तभी उसे खूंखार सा कोई जीव दिखाई देता है। वह देखता है कि उसकी दाईं तरफ एक सोने के सिक्कों से भरा थैला बंधा होता है। विनायक की आंखें चमक उठती हैं। कौन है तू? मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ देव। तू भोजन लाया है या मेरा भोजन बनने आया है? इतना कहकर वो देवता उस पर हमला करने ही वाला होता है कि विनायक चावल की पोटली फेंक देता है। वो देवता जब तक पोटली को खाता है, तब तक विनायक उसके थैले से बहुत सारे सोने के सिक्के निकाल लेता है और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। जब वो घर वापस जाता है तो सिक्कों को देखकर उसके मन में और लालच भर जाता है। अगली बार मैं बहुत सारी पोटलियां बांध कर जाऊंगा और एक साथ बहुत सारे सिक्के बटोर लाऊंगा। इसके लिए रणनीति ये होगी कि मैं वहां पहुंचकर एक साथ ढेर सारी पोटलियां फेंक दूंगा। फिर जब तक वो उन्हें खाएगा, जब तक मैं सोने के सिक्के का पूरा थैला चुरा लूंगा। अगली रात विनायक फिर से कुएं में 5 पोटलियां लेकर जाता है और इस बार
एक की जगह 5 पोटलियां फेंकता है। देवता पोटली से चावल खाने लगते हैं और विनायक उसके थैले से सिक्के निकालने लगता है। पर ये क्या? जैसे ही वो सिक्के उठाकर वापस ऊपर जाना शुरू करता है तो देवता के शरीर से उनके जैसे ही दिखने वाले 5 और देवता प्रकट हो जाते हैं। उतने सारे देवताओं को देखकर विनायक घबरा जाता है। वो बाकी बची सारी थैलियां उनकी तरफ फेंक देता है, पर देवता इतने सारे हैं कि सबको पोटली नहीं मिलती। धीरे धीरे वो विनायक की तरफ बढ़ने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है मेरी मदद करो, कोई है मेरी मदद करे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वो सारे देवता उसको पकड़कर उसके प्राण चूस लेते हैं। वो चिल्लाता रहता है, रोता रहता है और आखिरकार अब उसका भी वही हश्र हो जाता है जो कुछ दिन पहले तक उसकी दादी का था। अब वह भी अपनी मुक्ति के लिए अपने जैसे किसी लालची वंशज का इंतजार करने लगता है।